मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में कल मतदान होना है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसी को लेकर नगर पंचायत अगवानपुर में 15 वार्ड हैं, जिनमें 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 27 बूथ बनाए गए हैं। नगर पंचायत कार्यालय में 2 बूथ हैं, प्राइमरी सराय अगवानपुर में 5 बूथ हैं। मोहल्ला सैफियान प्राइमरी फर्स्ट में 7 बूथ बनाए गए, प्राइमरी सेकंड में 5 बूथ बनाए गए हैं। कन्या जूनियर हाई स्कूल में 2 बूथ बनाए गए हैं, पंडित सोरनलाल स्कूल में 6 बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारी के लिए पोलिंग पार्टियां भी अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतदान व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस फोर्स का बड़ा इंतजाम किया गया है। नगर पंचायत अगवानपुर के अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा से बात करने पर सिटी चैनल से बात करने पर बताया कि अगवानपुर में मतदान की तैयारी में बैरिकेडिंग के साथ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए अधिशासी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने कहा कि जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर नगर पंचायत में सभी पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, नगर पंचायत अगवानपुर में चेयरमैन और वार्ड मेंबर दोनों के वो हैं, चुनाव हैं, और यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं इस समय पर मैं खुद निरीक्षण कर रहा हूँ। पोलिंग बूथ हमारी बन चुकी हैं और सारे उसमें सारी व्यवस्थाएं लगभग कंप्लीट की दशा में हैं। इस समय पर हम देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना हो रही हैं और अपने अपने सेंटरों पर पहुँचेंगे। नगर पंचायत अगवानपुर में कितने मतदान केंद्र हैं? यहां पर जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो हैं 6 हैं और बाद बाकी बूथ हैं वो 27 हैं। कौन से स्थान पर कितने बूथ हैं? जैसे पंचायत भवन में 2 बूथ हैं, उसके पीछे जो प्रथम स्कूल है, पीछे वाला स्कूल है, उसमें 5 बूथ हैं। यहाँ पर सैफियान मोहल्ले में है प्राथमिक प्रथम और प्राथमिक विद्यालय द्वितीय, इसमें 12 बूथ हैं। पंडित सोरनलाल स्कूल है, उसमें 6 बूथ हैं, और एक कन्या जूनियर हाई स्कूल है, उसमें 2 बूथ हैं। बैरिकेडिंग का काम तो कंप्लीट हो चुका है? लगभग हमारा बैरिकेडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, अब बस पोलिंग पार्टियों का इंतजार है। जैसे ही आएंगी तो उनकी